बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है, गुनाह करता है, तो उसके गुनाह पर चार चीज़ें गवाह बन जाती हैं। उसके गुनाह की चार चीज़ें गवाह बनती हैं। सबसे पहली चीज़ जो गवाह बनती है इंसान के गुनाहों की, वो ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर इंसान गुनाह करता है। जिस हिस्से पर, ज़मीन के जिस हिस्से पर हम गुनाह करते हैं, ज़मीन का वो हिस्सा हमारे ख़िलाफ़ गवाह बन जाता है क़यामत के दिन, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है, यौमइदिन तुहद्दिथु अख़बारहा। दूसरी चीज़ जो हमारे गुनाहों पर गवाह बनती है वो है हमारे आज़ा, यानी हमारे पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स, हमारी बॉडी, बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे ख़िलाफ़ गवाह बनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर उसको भी बयान फरमाया है, अलयौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतश्हदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तो ये दूसरा गवाह है। तीसरा गवाह जो हमारे गुनाहों का बनता है वो फाइलें, जिन फाइलों के अंदर फरिश्ते हमारे गुनाहों को लिखते हैं, वो फाइलें गवाह बन जाती है, इसलिए कि उसके अंदर हमारे हर किस्म का गुनाह लिखा हुआ होता है। अल्लाह ताला ने उसको भी बयान किया, वइदा सुहुफ नुशिरत। और चौथा गवाह हमारे गुनाहों का जो होता है वो ख़ुद फरिश्ते होते हैं जो हमारे गुनाहों को लिख रहे हैं। तो ये चार गुनाह, ये हमारे गुनाहों के चार गवाह होते हैं, चार गवाह होते हैं हमारे गुनाहों के। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से और अल्लाह के रसूल के वास्ते से अल्लाह तबारक व तआला ने हमको एक ऐसा केमिकल अता फरमाया है कि उस केमिकल को अगर हम इस्तेमाल करें तो ये चारों गवाह मिट जाते हैं, ये चारों गवाह ख़त्म हो जाते हैं। और वो केमिकल है इस्तग़फ़ार का। अल्लाह ताला ने हमको इस्तग़फ़ार दिया है कि हम इस्तग़फ़ार करें, गुनाहों की माफ़ी मांगे अल्लाह से, और अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से तौबा करें और अपने गुनाहों पर नादिम हो। तो अल्लाह तबारक व तआला इन चारों गवाहों को मिटा देते हैं। यानी वो जो ज़मीन, वो ज़मीन पर जो आदमी गुनाह करता है वो ज़मीन के आसार को अल्लाह ताला मिटा देते हैं। इसी तरह जे ये हमारे जो हाथ है, हमारे पैर है, हमारे आधा है, हमारे आधा को भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाह मिटा भुला देते हैं। इसी तरह जिन फाइलों के अंदर वो गुनाह लिखा जाता है वो भी अल्लाह ताला मिटा देते हैं। और जो फरिश्ते हमारे गुनाहों को लिखते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके जहन से भी मिटा देते हैं। ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाई है, जिस हदीस को जामे सगीर के अंदर नकल किया गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तग़फ़ार एक ऐसा पावरफुल हथियार हमको अता फरमाया है कि अगर हम इस्तग़फ़ार दिल से करें और अपने गुनाहों की दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन चारों गवाहों को ख़त्म फरमा देते हैं, बल्कि हमारा गुनाह ही ख़त्म हो जाता है। बल्कि अल्लाह ताला ने एक आयत में तो ये फरमाया कि फ़ौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों के बदले नेकियाँ लिख देते हैं, यानी जितने गुनाह हुए थे उन गुनाहों के बदले नेकियाँ लिख दी जाती हैं। तो अगर हम गुनाह हमसे होता है, इंसान ही गुनाह होता है और इंसानों से ही गुनाह होते हैं, तो गुनाह अगर हमसे हो जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन गुनाहों पर इसरार करना और गुनाहों पर अड़े रहना ये बुरा है, ये शैतान का अमल है। इसलिए हम जो है जब भी गुनाह हो जाए अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें, इस्तग़फ़ार कर लें और अपने गुनाहों पर नादिम हो जाए, तौबा कर लें, सच्ची तौबा कर लें, तो अल्लाह ताला हमारे हर किस्म के गुनाह को माफ़ फरमा देंगे, बल्कि हमारे चारों गवाहों से भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को मिटा देंगे, बल्कि उन गुनाहों के बदले नेकियाँ लिख दी जाएंगी। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम।